शादी चोर पर ठाकुरगंज पुलिस का शिकंजा, लखनऊ से बड़ी खबर है। एक शातिर वाहन चोर गिरफ्तार। अभियुक्त के पास से चोरी की 2 स्कूटी बरामद। इंस्पेक्टर विजय कुमार यादव के नेतृत्व में मिली सफलता। कलेक्ट्रेट के तथागत सभागार में लगाई गई प्रदर्शनी, श्रावस्ती से बड़ी खबर है। पीएम ने जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा के तहत लगी प्रदर्शनी। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने किया प्रदर्शनी का शुभारंभ। स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगाई गई प्रदर्शनी। सामानों की खरीदारी कर फोटो नमो ऐप का होगा अपलोड। जिलाध्यक्ष ने आम लोगों से की बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। जगह जगह बनाई जा रही अवैध देशी शराब, अमेठी से बड़ी खबर है ये। अवैध शराब बनाने पर नहीं लग रहा है कोई नियंत्रण। आबकारी विभाग पूरी तरह से फेल। अवैध कच्ची शराब बरामद कर 5 मुकदमे किए गए पंजीकृत। ठाकुर का पुरवा और मुंशीगंज थाना क्षेत्र का मामला है। सड़क हादसे में गई पिता पुत्र की जान अमेठी से बड़ी खबर है ये। एक साथ 2 मौतों से परिजनों में मचा कोहराम। गांव में मजदूरी करता था युवक। जायस कोतवाली क्षेत्र का मामला है। प्रेमी युगल की हत्या मामले में आरोपियों को फांसी की सजा, बदायूं से बड़ी खबर आई है। जिला जज ने सुनवाई 4 दोषियों को फांसी की सजा। प्रेमी युगल की कुल्हाड़ी से काटकर की गई थी निर्मम हत्या। वजीरगंज थाना क्षेत्र के उरैना गांव का मामला है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा हुआ स्थगित। जालौन और हमीरपुर आगमन पर हुआ स्थगित। कलेक्ट्रेट परिसर में विकास प्रदर्शनी का करना था अवलोकन। पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ करनी थी बैठक। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। मृतक व्यक्ति का शव घर में रख रहे हैं परिजन। डेढ़ साल पहले डॉक्टरों ने युवक को किया था मृत घोषित। परिजन मृतक की मौत को नहीं कर पा रहे स्वीकार। ऑफिशियल कार्रवाई के तहत कानपुर सीएमओ को पहुंचा लेटर। हैरत में जांच करने आई सीएमओ और डॉक्टरों की टीम। परिजनों के कहने पर जांच के लिए हेल्थ ले जा रहे हैं बॉडी। बिजली विभाग के मीटर की भारी कमी, लखनऊ से बड़ी खबर है ये। बिजली विभाग में मीटर की कमी से जूझना पड़ रहा है। मीटर की कमी से रुक गए कनेक्शन, आवेदक परेशान। बिजली विभाग ने L&T कंपनी को दिया टेंडर। L&T कंपनी के काम से परेशान अधिकारी। टेंडर मिलने के बाद लापरवाही कर रही है कंपनी। बिजली कनेक्शन नहीं दे पा रहा है बिजली विभाग। श्रावस्ती से बड़ी खबर। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बड़ी कोशिश की गई है। वहां पर हिंदू घर के सामने रखा गया गौवंश के मांस का टुकड़ा। गौवंश का मांस मिलने से पूरे गांव में मचा हड़कंप। पुलिस को दी गई मामले की सूचना।
मौके पर सीओ समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी। मल्लीपुर थाना क्षेत्र के रोशनपुरवा गांव का घटना है ये। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बड़ी कोशिश की गई है। श्रावस्ती से बड़ी खबर, हिंदू घर के सामने रखा गया गौवंश के मांस का टुकड़ा। सुबह जब उठे दुकान खोलने, अच्छा, तो यहाँ पे गाय का और खाल मिला था, उसमें पूरा खून खून लगा हुआ था। अच्छा, द्वारे के सामने, अच्छा, ठेला पे जी। फिर क्या किया? दो चार लोग को बुलाए, फिर दो अच्छा ऐसा होगा, हम सब क्या करें। अच्छा, फिर इसकी सूचना प्रशासन को आपने दिया? मौके पे आई पुलिस? हाँ। कौन आए थे मौके पे? यहाँ आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आपने किसी को देखा है रखते हुए, या मतलब सुबह जब उठे तब यहाँ पर रखा हुआ था? सुबह जब उठे तो रखा हुआ मिला। अच्छा, रखा हुआ मिला था। किसी के ऊपर शक? वो शक नहीं है किसी के ऊपर नहीं है। कौन सा ग्राम सभा है ये? आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।